गजब खुदा का, कहां रह गई जवान जहान बच्ची? 3 घंटे हो गए उसे वहां से निकले हुए, अभी तक पहुंच नहीं, मेरा सांस उखड़ रहा है। अरसल जरा दोबारा फोन मिलाओ उसे। बंद है। बेटा तुम दोबारा उस बच्ची के घर जाओ। जब तुम भी अरसल के साथ जाओ और हुमा से बात करके आना। जी मैम। उसे जाने क्यों दिया? मैंने खुद आपको बताया कि वो बगैर बताए चली गई है। आज वापस घर आ लेने दो, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा उसकी। अच्छा हौसला करो, तहमुल से आ जाएगी जी वापस। कैसे तहमुल से काम ले? आजकल का बच्चा शक्ति मांगता है, वरना हाथ से निकल जाता है। चुप करो तुम, बस करो का बच्चा। मेरा तो दिल बैठा चला जा रहा है, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं बेचारे। कहाँ गई मेरी बच्ची? क्यों बोल रहे हैं? अच्छा बस बस। कुछ नहीं हुआ। अरे बस माँ निमा, क्या हो गया? बस हौसला कर ले, मिल जाएगी हमारी बच्ची, ना रो। नहीं भाभी, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। आपको नहीं पता, जब माँ का दिल धड़कना है ना औलाद के लिए, तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। कोई प्लीज पानी पीजिए। कुछ नहीं होता, पी ले पी ले पी ले। नजाकत अंकल का ब्लड प्रेशर भी काफी डाउन है। हाँ तेरा फोन बज रहा, देख किसका फोन है। हेलो। हाँ किंजा। नहीं यार कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ओके टेक केयर। बीजा तो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के बैठ गई है। शेरियार जल्दी से मुझे इंसुलिन तला दो, उनका शुगर बहुत डाउन हो गया है। जी मैं लेके आता हूँ। चुप कर जा, बैठे बैठे किस मुसीबत में फंस गए? बस कर दे, चल दुआ कर मिल जाएगी। चल चल बस कर। जी उमा बीबी के मामू को दिल का दौरा पड़ा है, वो उनके घर गई हैं। हमारी कजन यहाँ आई हैं जिया जी? वो आई थी, अफतारी से पहले चली गई। आप ही तो लेके गए थे उन्हें। हाँ दोबारा तो नहीं आई ना? जी नहीं। मानो या ना मानो, मुझे यकीन है हमारी बच्ची अगवा हो गई है। अल्लाह ना करे बीजान, हौसला करें। अरसल और किंजा गए ना उसके दोस्त की तरफ पूछने। अरे अगर मिल गई होती तो अरसल का फोन ना आ जाता। अरे वही बैठी होगी बीजा, आजकल उसे नित नई शरारतें सूझती रहती हैं। जमशेद मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा शाहजहां, अब सारे शहर में झंडे लगवाओगे हमारी बच्ची के? देखिए खुदा ना खास्ता उस बच्ची के साथ कोई मसला भी हो सकता है, 4 घंटे हो गए उसे गायब हुए हुए। आगा जी ठीक कह रहे हैं बीजान। जमशेद चुप के बैठे रहो, लड़की जात का मामला, कोई ऐरे खैरे की बातें सुनकर तुमको गलत काम ना कर बैठना। जमशेद तुम नजाकत और जलाल से कहो कि सारे बड़े बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी जाके चेक करें, और कोई जरूरत नहीं है इस चौधरी की बात सुनने की। जी गलत बातें करता है।